नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। क्यों? क्योंकि 24/7 क्लास 11th एंड 12th हमें सभी सब्जेक्ट क्लासेस समय पर उपलब्ध करवा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात राजेंद्र सर की, तो राजेंद्र सर ने वादा किया है अब की बार हिंदी में 100 में से 100 नंबर हमें दिलाएंगे। तो चले कर लें शुरुआत। तो अभ्यक्ति और माध्यम आपकी एक अलग से पुस्तक भी आपको पता है ना, वहां से 6 चैप्टर भी दिए हुए हैं, उनको भी हम लोगों को पढ़ना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, डरना किस बात का, एमसीक्यू हल करते निचोड़ निकाल लेते हैं ना जितना भी पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि 40 नंबर के आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, कुछ और देख लेते हम लोग आगे से कि इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। देखो बात को पता है ना, यूनाइटेड पिरामिड शैली जो है उसे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए आप लोगों को। तो उसमें से पहला भाग था इंट्रो या मुखड़ा, जिसे कहते हैं इंट्रो या मुखड़ा था। दूसरे को हम बॉडी या निकाय कहते हैं, और तीसरा है हमारा समापन है ये, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा अंग नहीं है। जब 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो कौन सा नहीं है भाई? मध्य भाग नहीं है, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है, यानी उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है। देखो आपको पता है ना, उल्टा पिरामिड शैली में मुख्य जो सूचना होती है, मुख्य इन्फॉर्मेशन जो होती है, मुख्य इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, वो सबसे ऊपर होती है, आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कम मुख्य सूचना, फिर कम मुख्य सूचना, ऐसे 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। इसमें 4 ककारों का प्रयोग करते हैं, इन 2 में 2 ककारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया। दृश्य का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, इन दृश्यों का। दृश्य क्या होता है? चित्र, जिसे हम लोग इमेज कहते हैं, या चलचित्र भी हम लोग कह सकते हैं, चलचित्र टीवी में चलता है, सीधी सी बात है, फिर तो टेलीविजन हो गया, सीधी सीधी बात है। टेलीविजन के लिए देखो ये क्वेश्चंस आसान किससे बना, जब मैंने आप लोगों को चलचित्र लिखा है, ध्यान रखना, चलचित्र का चलचित्र दिखता चलता हुआ दिखाई देता है हमें कहाँ? टेलीविजन में, टीवी पर ही दिखाई देता है, ठीक है। टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, इन टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त बताना है। मौलिक शर्त क्या होता है बता सकते हैं आप लोग मुझे? यानी उसमें कोई बनावटीपन नहीं हो, कोई बनावटीपन नहीं होनी चाहिए, तो वो बताइए आप लोग। तो साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन, या सामान्य लेखन, यानी कि खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है बता सकते हैं आप लोग मुझे? मौलिक, टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है बताइए? साहित्यिक भाषा में लिखोगे, दृश्य के साथ लिखोगे, तो दृश्य के साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके, देखो ये याद रखना है आप लोगों को, बिना याद करे काम नहीं चलता है भाई, याद करना होगा, एक एक क्वेश्चन को याद करना, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना उनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि बेटा एग्जाम में 40 नंबर के आएंगे एमसीक्यू, और एक भी गलत हो गया ना तो फिर वादा टूट गया, और वादा टूट गया तुम्हें बता रहे साथ कोई नहीं देता है। वादा वादा वादा, याद रखना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई, यानी हिंदी में नेट पत्रकारिता प्रारंभ हुई, तो हिंदी में किसके साथ पत्रकारिता प्रारंभ, वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, और राजस्थान पत्रिका के साथ। तो आप लोग इन्हीं को जानते होंगे, ये होगा आंसर, वेब दुनिया के साथ हिंदी पत्रकारिता, हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है, किस प्रकार का है अभी? फोन इन, एंकर पैकेज, सीधा प्रसारण, एंकर वाइट, बता सकते हैं? सीधा प्रसारण किस में आता है, प्रसारण किस प्रकार का है? सीधा प्रसारण, ध्यान रखना, ये कहते हैं ना लाइव क्रिकेट देख रहे हैं हम लोग, तो सीधा प्रसारण ही होता है वो, ये भी ध्यान रखना है। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बता सकते हैं आप लोग? देखो 1983, 1993 और फिर 2003, इस प्रकार से हम दो देख रहे हैं, तो तृतीय चल रहा है, 83, 93 और 2003 में,
भारत में दूसरा दौर चल रहा है 2003 से, ये ध्यान रखना। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ, दूसरा दौर कब आरंभ हुआ, दूसरा दौर बताना है कि कब आरंभ होता है। तो पहला 1993 में होता है, दूसरा 2003 में होता है, 10 साल बाद, ठीक है। समाचार पत्र पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है, यानी कि आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन या डेड लाइन, बता सकते हैं? डेड लाइन, कदू टिक, बताइए जल्दी से, टिक कर दो, कर दिया, देख लेते हैं, ठीक है, डेड लाइन, मृत्यु की लाइन जिसे कहते हैं। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, जनसंचार, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, कौन सा जनसंचार माध्यम है, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिका या तीनों? तो अनपढ़ तो ये भी नहीं पढ़ सकता, ये भी नहीं पढ़ सकता, ये भी नहीं, हाँ सुन सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर चल रही है जैसी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, पहले तो मुझे ये बताए, कमेंट करके बताए जल्दी से, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट तो होंगे भी, तुम्हें पता है सीधी सी बात है कि हो जाते हैं काफ़ी बार। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, सर्वाधिक खर्चीला, खर्चीला बताना है तो कौन सा है, इंटरनेट ही है, ठीक है। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है, श्रव्य, 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 श्रव्य क्या होता है पता है आप लोगों को, जिससे केवल सुना जाता है, ये मत कर देना कभी, ये कर दो सुना, ये नहीं कर देना, सुना जाता है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा है, रेडियो है, समाचार ये दृश्य है, इंटरनेट श्रव्य दृश्य है, श्रव्य दृश्य है, और ये भी श्रव्य दृश्य है, ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रण का आरंभ किस देश से, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ, मुद्रण का आरंभ बताने किस देश में हुआ, भारत, जापान, चीन या इंग्लैंड? पहला छापाखाना याद है आपको, गुटेनबर्ग द्वारा चीन में, याद होना चाहिए, मुद्रण का आरंभ स्टार्ट हुआ था। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया, जर्मनी के, याद है ना, पूछा बहुत, इसमें 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखना, तो रिपीट मतलब महत्वपूर्ण है, और प्यारे बच्चों याद रखना है, वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ से कम। भारत में पहला छापाखाना कब लगा, कब लगा भाई पहला छापाखाना, कहाँ लगा, गोवा में लगा, उल्टा सुलटा पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको लग रहा है कि ये पूछा जा चुका, लेकिन उल्टा कुछ अलग से पूछा गया था। तो 1556 में पहला छापाखाना गोवा में, भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया, गोवा में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलो फास्ट चलते हैं। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, मैं बता चुका हूँ, प्रभावशाली बोल दो, सर्वोत्तम बोल दो, सबसे अच्छी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। वर्तमान में कौन शैली चल रही है वो बोल दो, कुछ भी कह सकते हो। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अभी पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आया, तो मध्य भाग बॉडी है ही, बॉडी को निकाय भी कहा जाता है, नाम याद रखना है, बॉडी को किस नाम से जानते हैं, इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में, इंट्रो मुखड़ा बता चुका हूँ मैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, किस माध्यम में, टेलीविजन में होता है, ये रिपीट हो रहे हैं भाई। टेलीविजन के लिए खबर लिखने के लिए मौलिक शर्त क्या है, मौलिक शर्त क्या है, दृश्य के साथ लेखन आ चुका ये भी। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई, वेब दुनिया के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड है तो एक बार और देख लेना, गलती से रिपीट तो हो रहे हैं मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना बेटा एक बार। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है, तो सीधा प्रसारण को कहा जाता है। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्र कौन सा दौर चल रहा है, आधुनिक युग में तृतीय चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब आरंभ, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, अपन दूसरा पूछा है ना, तो 2003 में, देखो रिपीटेड है, रिपीट हो गए कोई बात नहीं है, 2-4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं गलती से, पर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है, कुछ क्वेश्चन रिपीट आएंगे तो कुछ ज़्यादा याद हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, डरना किस बात का है, बस याद होना चाहिए, याद हो गए तो बस झमाझम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो
ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, कोशिश किए 50 क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट बाद में देखेंगे। कोड यूज करना ही आप लोगों को पता ही है, पेड बैच में यदि आप लोग Y323 कोड यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए। PYQ चाहिए, PDF चाहिए, MCQ चाहिए, पाठ की समरी चाहिए, सार चाहिए, कुछ भी चाहिए, मूल पाठ चाहिए, सब हमारे Adda247 ऐप पर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डाउनलोड करें ना यार, अब भी करें जल्दी से। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अपने आप समझदार हो आप लोग, आप लोगों से कोई छुपा कुछ है ही नहीं, आपको लगता है मेहनत करते हैं, अच्छा मैटर मिल रहा है, 100% नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये सारे समझ लिया करो यार।